हेलो स्टूडेंट्स, आज के तुम्हारे देखो मैट्रिक्स पद्धति एक सिस्टम अफ इक्वेशन के क्या समाधान करा जाए। तो ये इक्वेशन के एक संगे अनेकगुलो इक्वेशन आटा सिस्टम अफ इक्वेशन बोलछी। ये मैट्रिक्स पद्धति समाधान करते गले प्रथम आगे मैट्रिक्स आकार लिखते हो। तो तुम्हें देखो एखान कोटा मैट्रिक्स पा, एखान तीनटे मैट्रिक्स पा कि एक हे ए जेटा के बोलब कोफिसियंट मैट्रिक्स। से जिनिसटा किरकम करे पाबो ना एक्स वाई जेडर जो कोफिसियंटगुलो आछे सेगुलो के लिए मैट्रिक्सटा। अर्थात देखो एक 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 माइनस एक दुई तीन पाँच माइनस सात बोझा गेल। और एक्स हे जार मान आमरा बार करब, एक्स हे अर्थात तुम्हार आननोन मैट्रिक्स जार मान आमरा बार करब सेटा कोनगुलो ना एखे कि कार मान बार करते जाक्स वाई जेडर अर्थात एक्स वाई जेड और बी कोणगुलो हे नन मैट्रिक्स मान जाना मैट्रिक्स अर्थात एखे एखान तुले नहीं आसब समान पर जगू आगे की आचे? ना आठ छय चौद। तो देखो सिसटेम के क्या लिखी, सिसटेम के लिखते परलम कि ए एक समान बी ये लिखते परलम। एखन देखो जदि ये मैट्रिक्सर बाँ दिक्कत ए इनवर्स गुण कर दी तेल क्य पासी बोल तो ए इनवर्स इंटू एक समान ए इनवर्स बी दिए बैकेट दिए घुरे दाओ कारण मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव तई बैकेट घूर दीते परलम। और हमें जानी जो ए इनवर्स ए मान हे आई एक्स ए इनवर्स बी आईडेंटिटी मैट्रिक्स संगे तुम्हें जे मैट्रिक्स गुण करो ना क्यों सेटाई फिर आसबे एटा हे एक्स ए इनवर्स बी तेल यहीखान एक्सट्रा पा। तो एक्सट्रा पे गाँव के इनवर्स बार करते हैं तर मैंने एन ए इनवर्स बार करब। और ए इनवर्स बार कर रूल जानी जो एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए तेल प्रथम डिटरमिनेंट बार करब ना डिटरमिनेंट ए समान तो देखो कि पा एक इंटू सात माइनस दस तर माइनस एक इंटू माइनस सात माइनस छय तारपर प्लस एक इंटू पाँच प्लस तीन अर्थात देखो एखानटा माइनस तीन सात छय तेरह मान अर्थात प्लस तेरह आईटा होच्छे आठ मान तुम्हार होच्छे अठारो नॉट इक्वल टू जीरो तार माने ए इनवर्स एक्जिस्ट हो गेलो। एरपरे आमरा बार करब कि एडजॉइंट ए तहले एडजॉइंट ए एटा आमरा एकटा शॉर्ट फॉर्म शिखेछिलाम देखो आईटेबे आसछे तुम्हारा क्लिक कर भिडियोटा शेषे देखे नियो। तो एखन आमी तोमाके देखिए दिच्छिस किभाबे आमरा एडजॉइंट एटा बार करब। तो तुम्हें कि करबे एई माझेर पॉइंटटाके पिक करबे माझेर एलिमेंटटाके माइनस वन दिए पाँच ए नीचे घूरब किन्तु हरिजन्टाली लिखब माइनस एक पाँच आबार उपरे चले जाब एक आबार माइनस एक तारपर स्टेप दुई माइनस सात एक दुई एखाने चले आसब एक तीन एक एक आबार माझेरटा माइनस एक पाँच एक माइनस एक तेल एडजॉइंट की बेरोबे प्रथम यहीटुकू मैट्रिक्स नब सात माइनस दस माइनस तीन तरपर पाँच प्लस सात बारो तरपर दुई प्लस एक तीन तरपर छय प्लस सात तेर तरपर माइनस सात माइनस तीन माइनस दस तरपर एक माइनस दुई माइनस एक तरपर पाँच प्लस तीन आठ तरपर तीन माइनस पाँच माइनस दुई माइनस एक माइनस एक माइनस दुई ये गलो हमारे एडजॉइंट। ए इनवर्स समान हमारे दाड़ो कत कत ना एक अठारो माइनस तीन बारो तीन तेर माइनस दस माइनस एक आठ माइनस दुई हलो गए ए इनवर्स। एरपे हमारा बार कर लम एक समान ए इनवर्स बी ओखने वो बसिए ए इनवर्स और बर संगे गुण को बार कर लेब ठीक है। तो हमें देखो कि पा ए अतएव एक समान कि ए इनवर्स मैं जो बेर कर लम एक अठारो माइनस तीन बारो तीन तेर माइनस दस माइनस एक आठ माइनस दुई माइनस दुई और बी की ना बी जो आठ छय चौदह लिखे आठ छय चौद ठीक। तो कि एक अठारो इंटू माइनस चौबीस प्लस बहत्तर प्लस बयाल्लिस
तारपर टा तीन आठ चौबीस आठ के आठ दे दस एक सौ चार माइनस षाट माइनस चौदह तारपरे चौषट माइनस बारो माइनस आठा तो एखेन की आसछे एखेनटा जोग करे नाओ तो स्टूडेंट एखेनटा आसछे तुम्हार नब्बे एखेनटा आसछे तुम्हार चुहत्तर एटा तिरिश एखेनटा हच्छे चल्लिस मान चौबीस दिए अठारो दिए भाग कर दाओ अठारो पाँच अठारो नब्बे और एदि के तुम्हार हे पाँच छक त्रिस तीन छक अठारो चौबीस बाय अठारो मान चार तीन और एक्स मान कि जानी एक्स वाई जेड ता दुटो मैट्रिक्स कौन इक्वल है जो करेस्पोंडिंग एलिमेंटगुलो समान हो जाए तो एक्स समान हे पाँच वाई समान हे पाँच तीन और जेड समान हलो गए चार तीन एटाई तुम्हार समाधान ये समाधान बेर करब तो पद्धति समाधान बार करते गेले दुटो जिनिस तुम्हें मन रखते होबे ओई दुटो जिनिस ना होले पद्धति समाधान बेर करा सम्भव नय जेमन एके ए जे आमरा ए इनवार्स बार करलाम कोन मैट्रिक्सेर इनवार्स बेर होय अर्थात मैट्रिक्सटाके नन सिंगुलर मैट्रिक्स होते होबे अर्थात कोफिसियेंट मैट्रिक्सुलर होय बा नन सिंगुलर जदि ना होय ताहले ए इनवार्स एक्जिस्ट करबे ना तार माने ए पद्धतिते समाधान बेर होबे ना आर कि होय नम्बर अफ भेरिएबल एंड नम्बर अफ इक्वेशन এই দুটোকে সমাধান সমান হতে হবে এই দুটো সমান হলে এই পদ্ধতিতে সমাধান বের করা যায় তো স্টুডেন্টস তুমি বুঝতে পারলে কি করে সমাধান করতে পারলাম এর পরের দিনে পুরো লিনিয়ার সিস্টেমটাকে নিয়ে আসবো র্যাঙ্কের সাহায্যে সেখানে দেখাবো যে একটা সিস্টেম কি করে সমাধান করা যায় পুরো র্যাঙ্কের সাহায্যে বা সমাধান করা সম্ভব কিনা অর্থাৎ কনসিস্টেন্সি বা ইনকনসিস্টেন্সি समाधान हुले कत रकम भावे कत रकम सल्यूशन है एगुलो पर क्लासे देखाबो सो पर क्लासटार नजर दिबे और आजकेर भिडियो यदि भालो लागे लाइक कमेंट शेयर कर दिओ खूब शीघ्र पर भिडियो देखा हच्छे टाटा।